नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ब्रेग्जिट क्या है, इसकी कहानी क्या है, इतिहास क्या है, और ब्रिटेन क्यों अलग हो रहा है इससे, ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और यूरोपीय यूनियन क्या है, इसे भी देखेंगे। ठीक है, पूरी जानकारी देखेंगे हम लोग इसमें ब्रेग्जिट में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रेग्जिट की कहानी क्या है, ब्रेग्जिट की कहानी क्या है। तो 31 जनवरी रात 12 बजे ही ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया है। इस तरह ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन का 47 साल पुराना महत्वपूर्ण रिश्ता खत्म हो गया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के संस्थान से ब्रिटेन का ध्वज हटा दिया गया है। लंदन में ब्रेग्जिट के समर्थन और खुशी में लोगों ने इकट्ठा होकर अपना उत्साह प्रदर्शित किया। वहीं स्कॉटलैंड में इसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। 23 जून 2016 को हुए मत संग्रह में 52% लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर होने एवं 48% यहाँ के मत मिले थे, 52% अलग होने के पक्ष में मत मिली थी और 48% मत विभाजन नहीं, इससे अलग होने के पक्ष में वोट नहीं मिले थे। ठीक है, मतदान हुआ। इसके बाद यूनियन ने ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ की, इसे ब्रेग्जिट नाम दिया गया, ब्रिटेन का हटना से। ठीक है, यूरोपीय यूनियन से हटना। यूरोपीय यूनियन 28 देशों का एक समूह था, ठीक है, जो इन देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से जोड़ता था। यह यूनियन सदस्य देशों के बीच फ्री ट्रेड की अनुमति देता था। इसके साथ ही यह सेवाओं के मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करता था। यूके के अंतर्गत 4 क्षेत्र उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आते हैं। ठीक है, यूके में इसके इतिहास पर नजर डालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ब्रेग्जिट के लिए वोटिंग के समय यूके के पीएम डेविड कैमरून थे जो नहीं चाहते थे कि ब्रेग्जिट हो। 52% मत पक्ष में आने पर 13 जुलाई 2016 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी दिन थेरेसा मे यूके की प्रधानमंत्री बनी थी। इसके बाद यूरोपीय यूनियन से बाहर आने की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी थेरेसा मे पर आ गई। इसके बाद डील और नो डील की प्रक्रिया पर सहमति बनाना था। थेरेसा मे ने 3 साल तक प्रयास करती रही। 31 अक्टूबर 2019 का समय ब्रेग्जिट के लिए निश्चित किया गया। इसमें थेरेसा मे ने ब्रेग्जिट विथ डील करने की घोषणा की। जब यह डील यूके की संसद में पेश किया गया तो सांसद ने अस्वीकार कर दिया इसे। तो 24 जुलाई को थेरेसा मे ने इस्तीफा दे दिया था। इसी दिन बोरिस जॉनसन को यहाँ का पीएम बनाया गया। ब्रेग्जिट के प्रस्ताव को यूरोपीय यूनियन के साथ ना होने के पीछे एक विवाद उत्तरी आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से संबंधित है। उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के बीच मुक्त व्यापार समझौता है। आयरलैंड भी यूरोपीय यूनियन का भाग है। जॉनसन यह प्रस्ताव लेकर आए कि उत्तरी आयरलैंड को छोड़कर अन्य हिस्से का ब्रेग्जिट कर लेते हैं। वहां के सांसदों ने इसका विरोध किया क्योंकि यह वन नेशन टू सिस्टम की तरह है। बढ़ते विरोध और जल्द से जल्द ब्रेग्जिट करने के लिए जॉनसन ने विथआउट डील ब्रेग्जिट की घोषणा की है। यह प्रस्ताव जब जॉनसन संसद में लेकर आए तो यह पास नहीं हो पाया। उनकी पार्टी के सांसदों ने भी इसका विरोध किया। दूसरा प्रस्ताव वह नया चुनाव कराने का लेकर आए, यह भी पास नहीं हो पाया। 14 अक्टूबर 2019 को वह संसद ने वर्तमान ब्रेग्जिट डील को अस्वीकार कर दिया। फिर 29 अक्टूबर को नया चुनाव कराने की स्वीकृति संसद ने दे दिया। बोरिस जॉनसन पुनः पीएम निर्वाचित हुए और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया इन्होंने।
चुनाव में इन्होंने यह आश्वासन और घोषणा किया कि वह 31 जनवरी 2020 तक किसी भी हालत में ब्रेग्जिट करवा देंगे, और ऐसा ही होगा। ठीक है जॉनसन, वी विल ब्रेग्जिट डन ऑन टाइम बाय 31 जनवरी, नो इट इफ्स नो वॉट बट्स नो माय। ठीक है, आखिरकार क्यों अलग हो रहा है ब्रिटेन? स्वायत्तता ईयू की दखलंदाजी के कारण इंग्लैंड कानून बनाने संबंधी अपने अधिकारों का खुलकर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, खासतौर से फिशरीज से जुड़े कानून। ऐसे में इंग्लैंड की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। एमिग्रेशन, पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में अप्रवासियों की तादाद में काफी वृद्धि देखी गई है, क्योंकि सीरिया में सिविल वार के चलते काफी संख्या में अप्रवासी भागकर यूरोप आ रहे हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के देशों के बीच लोगों की आवाजाही पर कोई मनाही नहीं है। इसके चलते मध्य और पूर्वी यूरोप से ढेर सारे लोग काम करने के लिहाज से ब्रिटेन में आकर फंस गए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एमिग्रेशन नीति ईयू तय करता है, ना कि यूके। ऐसे में अगर ब्रिटेन ईयू से हट जाता है तो उसे अपनी खुद की एमिग्रेशन नीति तय करने का हक होगा। सदस्यता फीस, यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू की सदस्यता शुल्क के नाम पर हर साल अपने सदस्य देशों से कुछ धनराशि लेता है। ये धनराशि हर सदस्य देशों के लिए अलग अलग है, जो कि हर समय हर सदस्य देश की अर्थव्यवस्था के मुताबिक तय की जाती है। ईयू हर साल सदस्यता शुल्क के तौर पर ब्रिटेन से करीब 13 बिलियन पाउंड लेता है, लेकिन बदले में उसे बहुत ही कम राशि मिलती है। ऐसे में ब्रिटेन को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। फिर प्रशासनिक दिक्कतें, ईयू की दखलंदाजी के कारण यूके में कोई प्रशासनिक काम करने के दौरान काफी अड़चने आती हैं। लाल फीताशाही की भूमिका काफी ज्यादा है। अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन को लगता है कि ब्रेग्जिट के बाद वो अपने आप को फाइनेंशियल सुपर पावर बना सकता है, क्योंकि लंदन को पहले से ही वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वहां का वित्तीय बाजार दुनिया के बड़े बाजारों में से एक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रेग्जिट का ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्रेग्जिट की खींचतान के कारण यहाँ की मुद्रा पाउंड में भारी गिरावट आई है। पाउंड में पिछले 31 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। ब्रिटेन की जीडीपी को 1 से 3% का फीसदी का नुकसान हो सकता है। ब्रिटेन के लिए सिंगल मार्केट सिस्टम खत्म हो जाएगा। दूसरे यूरोपीय देशों में ब्रिटेन को कारोबार से जुड़ी दिक्कतें होंगी। ब्रेग्जिट के बाद एक कारोबार WTO के नियमों के मुताबिक होंगी। पूरे यूरोपीय यूनियन पर ब्रिटेन का दबदबा खत्म हो जाएगा। ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन के बजट के लिए बड़ी धनराशि नहीं देनी होगी। ब्रिटेन की सीमाओं पर बिना रोक टोक के आवाजाही पर लगाम लगेगी। फ्री वीजा पॉलिसी के कारण ब्रिटेन को हो रहा नुकसान भी कम होगा। तो कुछ लाभ हैं, कुछ नुकसान। अब भारत की बात करते हैं, ब्रेग्जिट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्रेग्जिट का भारत पर प्रभाव, मौजूदा वक्त में ब्रिटेन में करीब 800 भारतीय कंपनियां हैं, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। भारतीय आईटी कंपनियां 6 से 18% कमाई ब्रिटेन में होती है। भारत में कुल FDI का 8% हिस्सा यूके से आता है। इसका असर भारत के कारोबार पर कम पड़ेगा, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के साथ अलग से व्यापारिक समझौते करने पड़ेंगे। साथ ही यूरोप के देशों से भी भारत को नए करार करने होंगे। इस प्रक्रिया में तमाम राजनीतिक और कूटनीतिक दिक्कतें आ सकती हैं। फिर भारतीय कंपनियों की ब्रिटेन में रुचि की एक बड़ी वजह यह है कि ब्रिटेन के रास्ते भारतीय कंपनियां यूरोप की के बाकी 27 देशों के बाजार तक सीधी पहुंच जाती थी। यानी भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटेन एक गेटवे की तरह है। जाहिर है कि जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलेगा तो इस बड़े बाजार तक आसान पहुंच बंद हो जाएगी। यूके ने हमेशा ईयू में भारत की तरफदारी की है और भारत का साथ दिया है, विशेष रूप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन में काम कर रही भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजार तक पहुंचने के लिए नए रास्ते निकालने होंगे। इतना ही नहीं,
ब्रिटेन में बने उत्पादों पर भारतीय कंपनियों को यूरोपीय देशों में टैक्स भी देना होगा। इस कारण भी कंपनियों के खर्च में इजाफा होगा। मॉरीशस और सिंगापुर के बाद ब्रिटेन भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। अगर ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है तो उसके निवेश में भी कमी आ सकती है। पौंड के कमजोर होने से डॉलर मजबूत बनेगा। ऐसी परिस्थिति में रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है। ठीक, कुछ फायदे भी हैं भारत के। ब्रेग्जिट के कारण यूके और यूरोपीय संघ दोनों ही घाटे में जा सकते हैं। दोनों को ही एक दूसरे के विकल्पों की जरूरत होगी। ऐसे में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। भारत तकनीकी, साइबर सुरक्षा, रक्षा और वित्त में बड़ा भागीदार बन सकता है। निवेश के लिहाज से भी भारत की भूमिका अहम होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रेग्जिट के कारण होने वाली कोई भी नुकसान सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। लॉन्ग टर्म में भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में यह कोशिश की गई कि सभी देश आर्थिक रूप से एक साथ आएं और एकजुट होकर एक व्यापार समूह बने। इसके पीछे मकसद यह था कि देशों का आपस में आर्थिक जुड़ाव जितना ज्यादा होगा, युद्ध होने की गुंजाइश उतनी कम होगी। इस तरह 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के जरिए 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी शुरू की गई। इसी क्रम में 1993 में मस्तिष्क संधि के जरिए यूरोपीय यूनियन अस्तित्व में आया। यूरोपियन यूनियन 28 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक पार्टनरशिप है। 2004 में जब यूरो करेंसी लॉन्च की गई तब यह पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हुआ। इस संघ के सदस्य देशों के बीच किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ जा सकता है। साथ ही बिना रोक टोक के नौकरी, व्यवसाय, स्थायी तौर पर निवास कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका यूरोपीय यूनियन की कथा और ब्रेग्जिट के बारे में। ठीक है।